निमृत का रोका है और विराट द ग्रेट अहूजा को किसने रोका? चीज है ये? Excuse me? वो है सबका हमदर्द। सरदर्द है वो, पता नहीं झेलते कैसे हैं लोग इसे। ओ, आप? शेखर, और प्यार से लोग मुझे शेकी बुलाते हैं। विराट का दोस्त, कम पिए। सॉरी वो। मुझे वो पता है, आप बैंक से आए ना? जी तो मेरे मैनेजर सर ने आपको बताया होगा कि आज मेरी छुट्टी थी। दरअसल मेरे आई बाबा की एनिवर्सरी, तो मुझे घर जाना है। मेरी फैमिली वेट कर रही होगी ना, खासकर मेरे बाबा। हाँ हाँ। तो अगर आप 2 मिनट। भवानी ने मुझसे बस एक ही चीज मांगी है कि मैं अम्मू की शादी तक रुक जाऊं। 29 साल की हो गई अम्मू, शादी की उम्र निकली जा रही है उसकी, इसीलिए भवानी चाहती है। भाड़ में गई भवानी और उसकी मांगे। जयेश, तुमने मुझसे कहा था कि तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ रहे हो। ऑफ कोर्स। इसीलिए आज के आज उसे छोड़ दो, आज रात तक। रात तक? हाँ जयेश, तुम्हें एक को चूज करना ही होगा। और अगर तुमने राइट को यानी मुझे चूज किया, तो एक बात ध्यान से समझ लो कि मेरे दरवाजे पर खाली हाथ मत आना। अपने प्रॉपर्टी के और अमृता के FD के पेपर जरूर लेते आना, वरना मुझे लगेगा मैं तुम्हारे पैसे के पीछे पड़ा हूँ। जबकि तुम जानती हो कि ये गलत है। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। अरे जल्दी चलो, नहीं तो यही छूट जाएंगे। आज किसने लेट? इसकी वजह से, कसम से भाई, ये ना मेकअप करने के लिए लड़कियों जितना टाइम लेता है। क्यों बे? अरे शोले, जल्दी आप उतर, और कितना इंतजार करवाएगा। आई लव यू। यो शबनम, आई लव यू टू। आई लव यू टू मच। सेक्सी लग रही है। चल चल चल। अरे सर, मैं यहाँ जर्नलिस्ट नहीं सर, बैंकर हूँ मैं। कैमरा, बैकग्राउंड में पूरी यॉट आनी चाहिए। मैं मॉम को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। और ऑल्सो आज निमी का रोका है, इससे कल पेज 3 में और कोई न्यूज नहीं छपेगी। ओके, कम ऑन, पूछो। सर, आपका रोका कब अटेंड करेंगे? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? बोरिंग। सर, आपके प्यार की खुशखबरी कब सुनने मिलेगी? नेक्स्ट। सर, आप अपनी लाइफ इतनी सीक्रेट क्यों रखते हैं? नाइस। क्योंकि मुझे फेमस होना है, एंड मिस्ट्री मेक्स अ मैन फेमस, राइट? इंसान अपने बारे में जितना छुपाएगा ना, आप लोग उतना ज्यादा जानना चाहेंगे, राइट? और पूछ। ए रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रही हैं आप? अरे 5 मिनट में विराट फ्री हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं? देखिए, पत्रकारों के सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है, उन्हें खुश करना जरूरी है ना। और ऊपर से आज विराट की बहन का रोका है। एक्चुअली विराट अपने फैमिली के बहुत करीब है। वैसे आपको देखकर भी लग रहा है आप अपने फैमिली के बहुत करीब है ना, क्योंकि आप चाहती है आपका फटक से काम हो जाए और आप झटक से निकल लें यहाँ से, है ना? और पता है, ये भी आप ही की तरह है। जब भी किसी फॉरेन कंट्री में जाता है, बिल्कुल आप ही की तरह हो जाता है, रेस्टलेस। आपको पता है इसकी फेवरेट मूवी कौन सी है? कभी खुशी कभी गम। हाउ नाइस, वेरी नाइस। लेकिन अब ना मैं और नहीं रुक सकती, मुझे जाना है। एक बार ये मेरी बात सुन लेंगे ना, तो मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करके घर निकल जाऊंगी। आई कांट वेट एनीमोर। ओके विराट भाई। नेम्स, लुकिंग प्रीटी। थैंक यू सो मच। यस। अरे यार, तुम लोग जाओ, मैं जल्दी से लिपटा के आता हूँ। गो 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 गो, जल्दी जाओ। मिस्टर अहूजा, मैं बैंकर। मिस्टर अहूजा, मैं बैंकर।
नीचे संभाल। सुनिए कैसे मुझे तुम मिल गए। जल्दी आजा भाई, बोट स्टार्ट हो रही है। मिल गए। अरे सर, चप्पल! अरे मेरी चप्पल! बोट, बोट! अरे रोको! अरे है? अरे 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 क्या हो गया? अरे सर, बोट रुकिए, मुझे घर जाना था ना सर। आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरे आई बाबा के एनिवर्सरी, सब वेट कर रहे होंगे मेरा सर। प्लीज शांत हो जाइए। देखिए अब बोट थोड़ा आगे तक जाएगी, वहाँ से यूटर्न लेकर के वापस आ जाएगी, और तब तक आप विराट का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी तो ले लेंगी ना। सर आप क्या बोल रहे हैं सर, मैं घर समंदर के बीच में सर, हम बोट पे हैं सर। तो 5 मिनट वेट कीजिए बस। ओके नहीं सर, आप 5 मिनट बस, 5 मिनट। से तो नहीं लगती है, कौन है और शेकी ने की बुला इसकी हेल्प करने को। पापा प्लीज फोन उठा लो। आई लव यू। बाबा आपने फोन उठा लिया। आप हेलो बाबा, हाँ कहाँ हैं आप? आप दिख नहीं रहे बाबा, फोन घुमाइए ना। आपको पता है मैं कहाँ पहुँच गई हूँ? समंदर के बीच में। पता नहीं कैसे अजीब से लोग हैं, एक से एक नमूने हैं सबके सब। आप अगर यहाँ होते ना तो आपको पता चलता कि। अरे बाबा फोन घुमाइए ना, आपको मैं ठीक से देख ही नहीं पा रही। अमृता ही थी ना फोन पर, तुम अगर उसे सच बता देते तो ना ऐसे घबराने की जरूरत पड़ती और ना कुछ छुपाने। जानता हूँ, इसलिए अपने बच्चों को सब कुछ बताने वाला हूँ। डोंट वरी इशिका, वो मेरे बच्चे हैं, मेरा साथ देंगे। बस उन्हें अच्छे से समझाने की जरूरत है, ताकि वो अपनी माँ को समझा सके कि उसके लिए सही यही होगा कि वो मुझे डिवोर्स दे और अपने गाँव चली जाए, ताकि हम दोनों यहाँ चैन से जी सके। नेटवर्क गया। हेलो, बाबा ने मेरा फोन कट कर दिया? मेरा फोन तो काटते नहीं कभी। और कहाँ थे? वो जगह घर जैसी तो नहीं लग रही थी। बाबा कहीं ऑफिस तो नहीं चले गए? बाबा ऑफिस चले गए, मैं यहाँ अटक गई। आज तो आई बहुत भड़कने वाली है। ऑफ कोर्स भड़केगी, आज उसका इतना खास दिन है। और ना मैं हूँ ना बाबा, उसने कभी नौकरी नहीं की है ना, तो नौकरी की झंझटों को समझती नहीं है। अच्छी है सर। और किसने बुलाया तुम्हें? आई डोंट नो यू, किसने इनवाइट किया? आपने मतलब सीधे मुझे नहीं इनवाइट किया, लेकिन वो लेकिन क्या वो शक्ल यहाँ है, यहाँ देखो। नो 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 सॉरी, मैं वो शोले कितने तुम? यो शबनम, तुम कहीं जाना मत, यहीं रहना। Stay here. ये शोला और शबनम,
ये क्या अजीब टॉर्चर है भगवान, आज और मत टॉर्चर करो, आज बहुत कुछ हो चुका है वैसे भी। तुम कहीं जाना मत, यहीं रहना, यहीं रहना। शैंपेन, शैंपियन, खरा सोना है इसमें, चमक है मेरी गिनियों की जैसी, जो गिनिया मैंने अपने दिलदार को दी थी। और देखो बरकत, देखो मेरी गिनियों की, आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। अरे आप ये खाली ग्लास उठाइए, उसमें ये सोना भरिए ना। तू ये असली सोना नहीं है। अरे शैंपेन तो गोल्ड रंग की होती है, बेबे इसे गोल्ड समझ रही है, तू बात को समझना यार। बेबे भी ना पीने से पहले नशा उतार देती है। अरे इसका नशा ना उतारे नहीं उतरेगा। हाँ, इस साल की सबसे महंगी शैंपियन मैंने निमृत के मंगेतर के लिए मंगवाई है। ओ पुत्रा, जम के पीना। बेबे, इसी बात पे खोले। ये शोले कुछ भी बोले, जो बोलेगा वही करूंगी क्या? उसने बोला यही रुकना है तो रुकी रहूंगी क्या? मैं नहीं रुकूंगी। शराब और समुंदर दोनों बहते ही अच्छे लगते हैं। हो जाए, हो जाए। आई ने देखा होता ना, इन लोगों ने मेरा क्या हाल किया है, बीच समंदर में फंसा दिया है, तो इस शोले पे बम के गोले बरसा देती हूँ। शेकी, जल्दी से गेस्ट लेकर आ, इस पार्टी में कोई बिन बुलाए मेहमान आया, जल्दी जाओ। व्हाट? नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने सबको पर्सनली चेक किया था। अरे बिना बुलाए नहीं आ सकता कोई। धीरे बोल यार, मैं तुझे बता रहा हूँ आया, इसलिए बिना किसी को बताए जा गेस्ट लेकर आ, वरना याद है ना लास्ट टाइम क्या हुआ था, कोई बिन बुलाया गेस्ट आ गया था और मॉम ने पूरा घर सर पे उठा लिया था कि उनका गोल्डन ब्रोच चोरी हो गया। हाँ। देख मुझे ना यहाँ पे कोई चोर सिपाही का खेल खेलना ही नहीं है। देख भाई, यॉट है, पार्टी है, मजे करना चाहता हूँ, और निमृत का रोका है भाई। बिग डे फॉर आई डोंट वांट टू स्क्रू इट अप। गो गो गो, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। थैंक गॉड मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से शिकायतें करते हैं, मगर एक दूसरे से प्यार सच्चा वाला करते हैं। ये सेल्फी वाला नकली प्यार नहीं। टचवुड, मेरे आई बाबा के प्यार को किसी की नजर ना लगे। ओह माय गॉड, सनग्लासेस का है मेरे, इतना शाइन कर रहे हो। ये अपना स्टाइल है निम्मी, जहाँ जाते हैं ना बस छा जाते हैं। और वैसे भी बेबी शोले बुलाती है तो थोड़ा तड़कना भड़कना तो बनता है। यस, और मुझे ऐसे देख के ना ये सारे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लुक एट मॉम, उनकी स्माइल से ज्यादा ना मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है ही नहीं यार। वैसे तुझे पता है मेरे लिए तुम लोगों के प्यार और मेरे क्रेडिट कार्ड में क्या कॉमन है? क्या? दोनों की ना कोई लिमिट नहीं है भाई, प्लीज नॉट अगेन। हस 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 हस। ओ हेलो हेलो सर, आप मेरी फॉर्मेलिटीज प्लीज पूरी करवा दीजिए, मुझे जाना है, मेरी आई बाबा की एनिवर्सरी। हाँ। मैंने आपको बताया था, प्लीज समझने की कोशिश हाँ, कीजिए। हाँ, आप भी समझने की कोशिश कीजिए, रोका का फंक्शन चल रहा है, विराट भी फ्री नहीं हो पा रहा है। आप ना थोड़ा सा रुकिए, मैं एक बार जाके पर्सनली कोशिश करता हूँ। ओके, तब तक काम कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप खाना खा लीजिए। अगर तू कोई पार्टी गेट क्रैश करती है तो सबसे पहले क्या करेगी? सबसे पहले फ्री की दारू पीऊंगी, ईट या फिर चीट। लेकिन हाँ, रोका है तेरा क्या चीट? ओके, वैसे वो चीट वाली लगती तो नहीं है, भुक्कड़ जरूर है। मुझे भूख नहीं लगी है सर।
देखिए 5 मिनट की तो बात है, एक बार जैसे विराट फ्री हो जाएगा और बस पैसे शेखावत के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बात खत्म। शेखावत मतलब जो जिनके परिवार के साथ रोका हो रहा है? हाँ वही तो, बस ये विराट आया, आपने पैसे ट्रांसफर किए, आपका काम खत्म, अब निकल जाना। निकल जाना मतलब सर हम समंदर के बीच में है, कहाँ से जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, अब ये फ्लेयर गन किस काम की है, बस इसको ऐसे राउंड लगाना, आसमान में निशाना लगाना, टॉप से फायर करना और पानी में कूद जाना। हाँ? हाँ, कोस्ट गार्ड जिंदाबाद उसके बाद। जी हाँ जी, मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में करना मत, बहुत बड़ा फाइन लगता है इस पे, हाँ पहले बता रहा हूँ। तब तक आप खाना खा लीजिए। हाँ खाना खा लो, वैसे भूख तो लग रही है, कुछ खा लूँ क्या? इस शोले की पार्टी में छोले भटूरे होंगे क्या? ए हर्षो, ये खोबरा वाड़ी तेरे लिए नहीं बनाई है, गिन के बनाई है। और हाँ, मेहमानों के आते ही ये खोबरा वाड़ी सबके सामने खोल के मत रख देना, वरना वो तेरी मीरा आत्या सब चट कर जाएगी, और वो सीमा आत्या जो इतनी दूर से आ रही है उसे कुछ खाने भी नहीं मिलेगा। हर्षु एक जरूरी बात है, पार्टी में अगर तुझे कोई बिन बुलाए दिख जाए ना तो मुझे वो, हर्षु तू मेरी बात सुन रहा है? मैं इतनी जरूरी बात कर रही हूँ तुझसे। अरे इससे जरूरी क्या है? बवासीर का इलाज। ई क्या क्या जी आई, ये डॉक्टर यही तो करते हैं, आपकी तरह ये बर्फी और ये बुआ ये सब थोड़ी ना गिनते रहते हैं, कितनी बार बताऊं आई। ज्यादा बोलने लगा है तू। बाबा कहाँ हो आप? क्या हुआ? कोई तो सुन लो अब बाबा। अच्छा हुआ आप आ गए, ये आपकी बीवी ना पागल कर देगी मुझे, देखो कहाँ थे बाबा आप? कुछ सामान ले गया था, जरूरी काम था। आहो सब ठीक है ना? ठीक नहीं है तो आई ठीक कर देगी, धनिया और पुदीना का हिसाब किताब तो कर ही देती है, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो स्टडी का। मैंने सोच लिया मुझे क्या करना है। अमू का वही तो, अब तक लौटी कहाँ है? अब तुझे बताना ही पड़ेगा अमू कि मैं तुझे वो एफडी के पैसे नहीं दे सकता, अब तुझे नया बिजनेस प्लान बनाना होगा, वो भी मेरे पैसों के बिना। बिना कुछ खाए सर घूम रहा है, आई सही कह रही थी कुछ खा के जा। वॉच एंड वॉक, क्या कर रही हो? ये न्यू ब्रांड न्यू बैग है 4 लाख का। अरे आइए आइए, कम ऑन खाना लीजिए आइए। वैसे पता चला डाउरी कितना फिक्स हुआ है? अरे तुम्हें तो पता है ना, बेबी को तो जानती हो ना तुम, वो अपनी बातें किसी से बताती नहीं है। मुझे तो लगता है ये बेबी और बबीता दीदी ने मिलकर ही प्लानिंग की है। हाँ जरूर बड़ा ही अमाउंट होगा, एक तो निमृत का रंग भी दबा हुआ है, ऊपर से विराट का किस्सा भी तो है। कोई सुन लेगा, चुप। कुछ पीते, चल चल चल। हाय, आप कुछ चाहिए? नो नो आई एम ओके थैंक्स। आप खा सकती है ना, मतलब डाइट वगैरह में क्या फर्क पड़ेगा, और आपको डाइट करने की क्या जरूरत है, आप तो इतनी अच्छी लग रही हैं। रियली? अरे बिल्कुल रियली। अगर आप में कोई कभी कमी निकाले ना तो आप उसे मेरा नंबर दे देना, मैं उससे कहूंगी कि अपनी आंखें चेक करवा ले। थैंक्स, और आप अच्छे से खाना। थैंक यू। थैंक्स। हवा क्या फ्रेश है यार। ए शेकी, शी शी द वन, यही है वो मुफ्तखोर मेहमान जिसके बारे में तुझे बता रहा था, देखा? कहाँ है तेरी लेडी लव, फाइनली मिल गई तुझे। अबे साले समुंदर में ना बहुत सारी शार्क्स भी हैं, फेंक दूँ क्या तुझे? नहीं नहीं भाई, शार्क के बीच में दोस्त को फेंकेगा? हाँ वैसे यार वो बबीता आंटी को तुझसे कुछ बात करनी थी, कुछ जरूरी काम है, इसलिए बैंक वाली को इधर ही बुला लिया। बैंक वाली को? वो पिंक साड़ी, वही तो है बैंक वाली। ये पिंक साड़ी वाली? हाँ। अरे तू मुझे बोल रहा था पीछे से किसी की हेल्प कर, मैंने बिना देखे किसी को खींच लिया और वो बोट पे आ भी गई यार, मुफ्तखोर कहीं की। नहीं 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 नहीं, बाकायदा उसको बुलाया गया है भाई, उसे बुलाया गया है, बैंक से है वो।
ये बैंक से है। हाँ? ये लुटेरी एक जूता पहन के ये बैंक से है। कौन से फटीचर बैंक से है ये? और सबसे पहले मुझे ये बता, इस फटीचर बैंक में हमारे पैसे क्यों? एक काम कर, इस फटीचर बैंक से सारे फंड्स निकालो और किसी और बैंक में ट्रांसफर। मेरे को बोलने तो दे। सुन भाई, बैंक भी अच्छा है और बैंक वाली भी बुरी नहीं है। वो तो एक्चुअली तेरे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के चक्कर में आ गई है, तब से घूम रही है मुझसे, कब से कह रही है मुझे घर जाना है, मम्मी पापा की एनिवर्सरी जाने दो। अरे घर जाना तो आई क्यों है? रूजास का रोका, इसका क्या काम है? और पहले मुझे ये बता मेरे बायोमेट्रिक्स क्यों चाहिए? व्हाट द हेल इज हैपनिंग शेकी? बैंकर का क्या? बबीता आंटी क्या विराट, आज के दिन भी काम? नो 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 नो, जाओ तुम शेखावत को अटेंड करो। अरे म्यूजिक इज ऑन, गेट देम ऑन द फ्लोर। समंदर को भी पता चलना चाहिए कि किसकी पार्टी हो रही है। हम वो सब तो ठीक है, पर आपने इस बैंकर को क्यों बुलाया? वो कुछ अमाउंट है, वो ट्रांसफर करनी है शेखावत को। अमाउंट ट्रांसफर करना? विराट को किसी हालत में दहेज के बारे में पता नहीं चल सकता। कम ऑन विराट, अब मेरी बेटी की शादी है, क्या मैं अपने होने वाले दामाद को रोका गिफ्ट नहीं दे सकती? और ना यही तरीका सही है। अब निमृत को भी शॉपिंग करनी है, वो तो राजीव के साथ ही जाएगी ना शॉपिंग करने, तो पैसे तो लगेगी ना, वरना मैं क्यों ट्रांसफर करूँ शेखावत को, वो पहले से ही इतने रिच है। कमोन कमोन। तू सुन, हाँ? यार उस पे ध्यान दे, जिस हिसाब से खा रही है ना, सारा खाना खत्म कर देगी, किसी को मिलेगा नहीं और तुझे भी नहीं। शैंपेन लेकर आता हूँ। सर, रिश्तों की पहेली समझ में ना आए, मन में रह के कैसे कोई खो जाए, साथ रहे भी क्यों अलग हो जाए, उलझी है ये डोरी उसे कौन सुलझाए, जी कहता है सब कह दो पर होठ से गए, मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। एक मिनट, थैंक यू सर। सर वो सर, अगर आप वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते, मुझे घर जाना था ना, तो मैं तो जाओ। कैसे? तैर के, समुंदर है ना जी। एक काम करो, अभी इतना बड़ा माउंट एवरेस्ट निकल रही थी ना, थोड़ा और खा लो मुफ्त का खाना, डाइजेस्ट कर लो, उसके बाद बात करेंगे। खाना नहीं खाना है, मुझे घर जाना है। अरे वो रंगोली वाली आई कि नहीं? भवानी, तू इतना सारा भारी भरकम सामान ला के कहां जा रही है? जयेश का है? नमस्ते आंटी, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे बेटा तुम आ गए, लेकिन आमू तो अभी तक आई नहीं, अब वो फंक्शन 8:30 का है ना। तो क्या इसे वापस भेज देगी? अरे नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मतलब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी तो बस तैयारी चल रही है। अरे आंटी, इसीलिए मैं जल्दी आया हूँ, ताकि आपकी थोड़ी मदद कर सकूँ, ये सामान मुझे। अरे नहीं नहीं, देखा कितना सोना मुंडा है, मैंने कहा था ना अमू को इससे चंगा मुंडा नहीं मिलना, सच। अरे बेटा, हम तुमसे कैसे काम करा सकते हैं? कमाल कर दी आंटी आप भी, बेटा भी बोल रही हैं और रोक भी रही हैं, ये सामान मुझे दीजिए, सब कुछ मुझे। अरे क्या करें? नहीं नहीं दीजिए आप। नहीं नहीं नहीं, अरे गौतम, अरे दीजिए, सुनो, आप मुझसे कुछ भी करवा सकती हैं। कहा था ना, नॉट आउट। हेलो, ए टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए, बैंक फॉर्मेलिटीज जल्द से जल्द पूरी कर लेना, शेखावत के अकाउंट में रोका गिफ्ट जा रहा है, लड़के वाले हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? तू कर क्या रही है वहाँ? दहेज देने की तैयारी। ये बड़े लोग हैं ना, बहुत स्मार्ट हैं। ये दहेज नहीं बोलते, बोलते रोका गिफ्ट है, शॉपिंग के लिए गिफ्ट है, ताकि पाप भी कर ले और पापी ना बने, और ये दहेज वहेज तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद।